गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आई होप कि आपको मेरा प्रीवियस व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। आपने अपने वैल्यूएबल कमेंट शेयर करिए उसके लिए भी थैंक यू, मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और आज लंच ब्रेक हो गया है हमारा, आज हम दोबारा जा रहे हैं। मैंने जैसे कि अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया था आपको कि जनपद में ही नियर बाई यहाँ पर बहुत फेमस डोसे की शॉप है, तो हम आज वहाँ पर जा रहे हैं अपना लंच करने के लिए। और आपको मैं साथ ही साथ रिव्यू देती रहूँगी कि वहाँ पर कैसा है खाना, क्या है, तो जिसके हिसाब से आपको एक आइडिया हो जाए। इनके हिसाब अगर यहाँ पर आना चाहो तो आप आके अपना मील इन्जॉय कर सकते हो या फिर आप उस जगह को देख सकते हो कैसी है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में बहुत अच्छे अच्छे एरिया हैं जहाँ पर जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और आज दोबारा मेरी फ्रेंड मेरे साथ है, मेघा। मेघा से हाय। हम यूजुअली एक दूसरे के साथ ही रहते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई कंपनी है ही नहीं। और मेघा तो बहुत ज़्यादा BTS की फ़ैन है, मतलब एक नंबर फ़ैन है। अच्छा, खैर BTS मैं गाने सुनती हूँ बट मैं फॉलो करती हूँ, पर मेरा फैन तो भाई सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, मतलब जान है उसके गानों में ही। मतलब मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ये BTS की फ़ैन है, तो BTS आर्मी, मतलब उसके अलावा और कोई हिंदी गाने? हाँ मुझे पसंद है, पंजाबी सॉन्ग सुनती हूँ मैं और अपने बॉलीवुड हॉलीवुड सब मैं सुनती हूँ। ये सामने केरला हाउस है, यहाँ पर सारे साउथ इंडियन डिशेस मिल जाती हैं। यहाँ पर यूजुअली बहुत अच्छी फिश की खुशबू आती है, लेकिन मैं और मेघा नॉन वेजिटेरियन है तो हम खाते हैं। हमारे ऑफिस में सारे वेजिटेरियंस हैं, सारे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ठीक है, पर हम दोनों नॉन वेजिटेरियंस हैं। हम शुद्ध शाकाहारी नहीं, मांसाहारी हैं। हम मांसाहारी हैं, हम नॉन वेज खाते हैं। हम मतलब वेजिटेरियन बहुत अच्छे होते हैं। वेजिटेरियन में भी बहुत सारे हमारे पास खाने के लिए चीज़ें होती हैं, जैसे हो गया टोफू, हो गया आपका अलग अलग चीज़ें होता है। अब स्प्राइट ही सबकी अलग अलग होती है, सब खाते हैं। कोई वीगन होता है, कोई हमारी तरह नॉन वेजिटेरियन होता है, तो हम सब खाते हैं। हम ओमनिवोरस हैं, हम सब खाते हैं। हम घास पत्तियाँ भी खा लेते हैं, हम सब कुछ खाते, सब खाते हैं, सब। और यहाँ पर ही अगर मैं आगे जाती हूँ तो वहाँ पर आपको शंग्रीला दिख जाएगा। अगर कोई प्रीवी वगैरह आता होगा तो उसको तो इजीली पता होगा, और या फिर शंग्रीला में कोई जाता होगा तो यहाँ पर पास में शंग्रीला है। शंग्रीला बहुत फेमस होटल है, मतलब यूजुअली नॉन होटल है, पॉपुलर भी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर है। और पास में ही यहाँ पर जनपद में हमारा बंगला साहिब है गुरुद्वारा, वहाँ पर भी बहुत रोड क्रॉस करने के बाद पास में आ जाता है। अभी हम जा रहे हैं और पीछे वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल थे, भैया थे, जो भी थे, बहुत अच्छे थे बात करने में, ठीक है, तो हमें उनसे बात करके अच्छा लगा। मेघा बात कर रही थी बेसिकली, तो ठीक है, अच्छे थे, बात हंसी मजाक करते। पहली बार ही कोई ट्रैफिक पुलिस वाले भैया अच्छी तरह से बात करते, चलान नहीं काट रहे थे, बस हंस के बात कर रहे थे। ये बड़ी मैंने अलग चीज़ देखी, ठीक है, मतलब मेरे साथ तो पहली बार हुआ, वरना तो जब भी मैं जाती हूँ किसी के साथ चलान कट ही जाता है। मतलब ज़्यादा बारी भी नहीं हुआ, बस 2-3 बारी हुआ है चलान कटते समय मेरे सामने। मेघा तुम्हारे सामने कितनी बारी चलान? एक बार भी नहीं हुआ है। मतलब मेघा ने एक बारी क्या किया था, अपने फ्रेंडों के साथ अपनी मतलब स्कूटी चला रही थी ये, और स्कूटी इसने ठोक दी, तो वो ठोक गई थी और उसकी वजह से जो आंटी थी वो बच गई बस। बहुत ही मुश्किल से वो बची और मैं हवा में उड़ा रही थी स्कूटी। मैंने भी एक बार स्कूटी चलाई थी। देखिए मेरी लॉजिक देखिए, मैं स्कूटी कब सीखने के लिए गई, जब बारिश हो रही थी। बारिश में एक जिसको साइकिल चलानी नहीं आती वो स्कूटी चलाएगा तो मतलब बर्बादी तो होगी, खुद की तो नहीं सामने वाले की बर्बादी ज़रूर होगी। और मैं गई चलाने के लिए, बारिश हो रही थी, मतलब कीचड़ कीचड़ हो रही थी, पता है ऐसी बात है ना, हाँ, तो उस टाइम में तो फिसल जाएगी स्कूटी। तुमने बहुत ही अच्छा टाइम चूज किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने चलाई,
स्कूटी चलाने के बाद क्या हुआ कि अब साइकिल आती नहीं है चलानी, तो स्कूटी तो मैं चलाऊंगी, बैलेंस क्या बनाऊंगी, तो मैंने वो आगे ठोक दिया। मतलब एक वहाँ पर था, मतलब कि सिलाई कढ़ाई की दुकान थी, क्या बोलते हैं उसको, बच गया या नहीं ये मुझे बताओ। वो तो अच्छा शटर डाउन था, वरना उसका पूरा कांच का ग्लास जाता, और वो उसके पैसे भी देती, स्कूटी की भी भरपाई करनी पड़ती। बेसिकली हाई सिक्योरिटी एरिया है, देखा ही होगा आपने यहाँ पर पुलिस लाइन वगैरह बहुत ज़्यादा खड़ी रहती है, क्योंकि आगे जाके जंतर मंतर पड़ता है। यूजुअली यहाँ पर सब प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, जब आपको पता होगा किसान का प्रोटेस्ट हो रहा था तब यहाँ पर बहुत भीड़ रहती थी, बहुत हद ही ज़्यादा भीड़ रहती थी, और प्रोटेस्ट भी चलता रहता था ऑफकोर्स, काफ़ी टाइम तक रहा था वो प्रोटेस्ट, सबको पता ही होगा इस बारे में। तो यहाँ पर हाँ हाई सिक्योरिटी एरिया है, बहुत ज़्यादा ही पुलिस वगैरह रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम पहुँचने भी वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, बस पहुँच गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, अभी भी है। अब मैं ऑर्डर करके आती हूँ, यहाँ पर साउथ इंडियन है फूड सारा, मैं आपको दिखा दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूँगी इनका नाम क्या है, इनके आना हो किसी को। मेघा और मैंने दो आइटम लिए हैं, ये है मसाला डोसा मैंने लिया है और दाल बड़ा। तो मैंने ऑर्डर किया है यहाँ से डोसा, मसाला डोसा है। मैं आपको फिलिंग दिखा देती हूँ इसके अंदर कितनी है, ठीक है। ये क्वांटिटी रहेगी, ये मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ का, और जो मेघा वाला बड़ा था वो पड़ा है 40 रुपीज़ का। तो मतलब हाँ रिजनेबल प्राइस है, मतलब पॉकेट फ्रेंडली। और इसके अंदर ऐसे कुछ है, आप देख सकते हो इसके अंदर आलू की स्टफिंग ऐसे कर रखी है, और ये इसका सांभर है। ट्राई करके बताती हूँ मैं कैसा है, ठीक है। अच्छा है, ओके फ्रेंडली अच्छा है, बट आप सोसो है, इतना भी मैं उसको हाई नहीं बोल सकती, मतलब एवरेज। ओवरऑल खाना खाने में अच्छा था डोसा, ठीक है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब इतना फेमस है, इतनी भीड़ है, इतने टाइम से चल रहा है 40 साल से, वो अंकल ने मुझे बताया, तो ऑफकोर्स टेस्ट फ्लेवर्स अच्छे होंगे, लोगों की पॉपुलैरिटी देख के ही पता चल रहा है कि हाँ कितना फेमस है। बट आज मुझे लगा कि मतलब आज है कि क्या है, मैंने थोड़ा सांभर उनका बड़ा पतला था, तो अगर वो थोड़ा मोटा हो जाता तो ठीक हो जाता उसकी थोड़ी, हाँ तो मतलब अच्छा लगता और इनहेंस हो जाता उसका टेस्ट, वरना तो ओवरऑल बढ़िया था। खट्टा कम था, बाकी टेस्ट ठीक है, थोड़ा पतला था। आपके लिए ना मैं हम इमली डाल दिया करेंगे अब, ठीक है। इमली डलती है, और मतलब आता नहीं है सांभर बनाना, पर हाँ इमली तो हाँ ट्राई कर सकते हैं हम, मतलब YouTube जिंदाबाद। अब हम वापस ऑफिस जा रहे हैं, कोक ले लिया, पीलिंग इसको थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं ऑफिस, और आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और लाइक कीप सपोर्ट, आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे इतना प्यार देना, और आपने वैल्यूबल कमेंट शेयर करना कि मतलब क्या और चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो आपको कोई आइडिया नहीं होता कैसे क्या करना है, बट और लोगों के व्यूज़ मिलते हैं, आप लोगों के व्यूज़ मिलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो मैं उसको ओवरकम करने की या फिर उसको सही करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। कीप सपोर्टिंग।